नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा को आज 4 महीने पूरे हो गए हैं दोस्तों, और वैसे तो 5 साल की सरकार जो है, 5 साल चलाने वाली सरकार जो है, वो देश में 4 महीने में उस पर कोई, जो 4 महीने का वक्त है वो 5 साल की सरकार पर कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, ये जो 4 महीने का वक्त। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने तो इस पूरी की पूरी यात्रा को, यानी कि 4 महीने में, न केवल एक नया इतिहास रच दिया है बल्कि देश की सियासत को पूरी तरह से मत दिया है। जब यात्रा और ये मंथन पूरा होगा तब इसमें से किसके लिए अमृत के घड़े निकलेंगे, किसके लिए मुसीबतें आएंगी, किसे तोहफे मिलेंगे और किसे सजा मिलेगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि यात्रा के 4 महीनों में राहुल पैदल चलते रहे और बीजेपी उनके पीछे हाफते हुए भागती रही। कल राहुल गांधी हरियाणा के पानीपत पहुंचे जहां जबरदस्त जन समर्थन मिला। इस रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज यहां तक कह दिया है कि अब दिल्ली दूर नहीं। आइए जरा सुन लेते हैं हुड्डा साहब कह क्या रहे हैं। ये यात्रा जन आंदोलन में बदल गई, जन आंदोलन में बदल गई, क्योंकि ये जो विषय लेके चले हैं राहुल जी, एक बेरोजगारी, महंगाई और आपस में प्यार, आपस में भाईचारा बनाने का, और जो पानीपत है वो इस चीज के लिए मशहूर है। जो चिश्ती समुदाय के कलंदर साहब वहीं के थे जिन्होंने भाईचारे का सबसे बड़ा प्रचार वहां फैलाया, और आज हम जाके करनाल रुकेंगे जो राजा करण की भूमि रही है, दानवीर करण। और क्योंकि ये जो रूट अपनाया है राहुल जी ने जीटी रोड पे, ये महाभारत काल से संबंधित है। आप शुरू से करो सोनीपत, ये पानीपत, ये तो उन पतों में से है जो पांडवों ने बसाए, जो उन्होंने मांगे। उसके बाद आप करनाल, राजा करण की भूमि, फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पर वो आपकी महाभारत की धर्म क्षेत्र, और उसके बाद अंबाला। अंबाला का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा भारी योगदान रहा है। कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहली 1885 में तो लाला मुरलीधर अंबाला से गए थे, और पहली 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी अंबाला से फटी और 9 घंटे के बाद मेरठ में पहुंची। तो इस वास्ते ये जो एरिया है ये ठीक है। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ, और पानीपत में 3 निर्णायक युद्ध हुए। नतीजा ये निकला जो पानीपत या कुरुक्षेत्र में जीता है वही दिल्ली गया है। तो ये हरियाणा छोटा सा क्षेत्र है ये, लेकिन फैसला करता है कि दिल्ली कौन जाएगा। जो पानीपत में जीता हुआ दिल्ली गया, जो कुरुक्षेत्र में जीता हुआ दिल्ली गया। तो कल का जन समुदाय का, जैसे मैंने जन आंदोलन है, तो ये लगता है अब कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर नहीं है। तो सुना आपने, कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि अब कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर नहीं है। खैर, दिल्ली की जंग अभी बाकी है दोस्तों, लेकिन उससे पहले जिस यात्रा में राहुल गांधी निकले हैं उसकी शुरुआत से बीजेपी और उसके समर्थक ट्रोलर्स की निगाहें केवल और केवल राहुल पर हैं कि वो क्या पहनते हैं, किससे कैसे मिलते हैं, किसे गले लगाते हैं, किसके साथ खाना खाते हैं, कब राहुल की जुबान फिसलती है, कब राहुल कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिस पर विवाद खड़ा किया जा सकता है। ऐसा लगता है मानो बीजेपी को राहुल के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा है। आप याद कीजिए, जब इसी सफेद हाफ टी शर्ट में राहुल पहली बार यात्रा की शुरुआत में नजर आए तो उसकी कीमत को लेकर बीजेपी ने बवाल खड़ा करने की कोशिश की, और अब इतनी ठंड में भी राहुल उसी टी शर्ट में दिख रहे हैं तब भी बीजेपी की नजर टी शर्ट पर ही है कि आखिर इसमें राहुल को ठंड क्यों नहीं लगती है। वैसे राहुल गांधी ने 4 महीनों में 3000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर अनोखा रिकॉर्ड तो बना ही दिया है। उनके कारण देश की राजनीति में यात्राओं का दौर भी शुरू हो गया है। नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और भी कई अलग अलग दल जो हैं वो सभी यात्राएं निकालने में जुट गए हैं। इधर कांग्रेस की भी यात्रा जो है वो अलग अलग राज्यों में भी चल रही है।
तो इस तरह राहुल ने नेताओं को जनता के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया है और सीधा हमला बीजेपी पर राहुल गांधी कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर के कल राहुल गांधी ने पानीपत में मोदी सरकार को जमकर घेरा। किसानों का आंदोलन, चूंकि यहां एक आंदोलन की बात कर रहे थे सीएम, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि ये जो यात्रा है ये भी अब जन आंदोलन में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी नजरों से। तो किसानों का आंदोलन इसके पहले, ठीक इसके पहले किसानों का आंदोलन खत्म हुआ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर कह गए थे सुबह सुबह टेलीविजन पर कि शायद मुझसे ही कोई भूल हो गई। इस पर कल पानीपत से क्या कुछ संदेश दिया, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जरा सुन लेते हैं। जो सेना के लिए अग्निवीर है वो किसानों के तीन कानून थे, सारे के सारे किसान खड़े हो गए, काले कानूनों के खिलाफ खड़े हुए, आप सब खड़े हुए, हम खड़े हुए, याद है आपको। और जब किसान खड़े हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई। किसान सर्दी में ठंड में बाहर बैठा था, बारिश में किसान बाहर बैठा था, तब आपको गलती नहीं दिखी, एक साल लग गया आपको गलती पहचानने में। 700 शहीद हो गए, किसानों को उग्रवादी बताया था, यह सच्चाई है। वैसे राहुल ने मीडिया को भी मजबूर कर दिया है कि अब वो न केवल यात्रा की बात करें बल्कि उन उद्योगपतियों से भी बात करें जिन पर राहुल सवाल उठाते रहे हैं। एक उद्योगपति का इस वक्त देश के मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिया जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो न सिर्फ एक चैनल को बल्कि दूसरे चैनल को भी इंटरव्यू दे करके अपनी सफाई दे चुके हैं। जिस तरह राहुल महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ लगातार सवाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। इसीलिए बीजेपी अब फिर से राम मंदिर का मुद्दा खड़ा करने की फिराक में है ताकि जनता का ध्यान भटका सके। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी को फंसा दिया है, क्या बीजेपी राहुल के आगे हो गई है लाचार। ऐसे तमाम सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ है और सबसे बड़ी बात यह कि 4 महीने, आज 7 तारीख है और 7 सितंबर, आज 7 जनवरी है और 7 सितंबर को यह यात्रा शुरू हुई थी और इस हिसाब से देखा जाए तो 4 महीने इस यात्रा के पूरे हो गए हैं। 4 महीनों में राहुल गांधी 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं और इस बीच ये 11वां स्टेट है कहें, क्योंकि हरियाणा पहले ही वो जा चुके थे और दोबारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद फिर से हरियाणा पहुंचे हैं, हरियाणा के बाद पंजाब जाएंगे और एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश और उसके बाद फिर सीधे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जहां 30 जनवरी को तय किया गया है कि राहुल गांधी लाल चौक पर झंडा फहराएंगे। तो और इस प्रकार ये यात्रा 30 जनवरी को इसी महीने, आज से ठीक 23 दिन बाद समाप्त होगी। जब राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग चीजों पे वार कर रहे हैं तो यहां उद्योगपतियों पे वार करना, सरकार पर वार करना ये तो अलग है, लेकिन साथ साथ वो मीडिया पर भी लगातार वार कर रहे हैं और यहीं से नहीं बल्कि शुरुआती दौर से कर रहे हैं। और मीडिया पर ये बाइट जो सुनाने जा रहा हूँ ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है हमारे समाज में एक विद्वेष की, समाज को तोड़ने की बात, और यहाँ से जिस समाज को जोड़ने की बात राहुल गांधी करते रहे हैं, यानी नफरत को खत्म करके मोहब्बत का पैगाम लाने की जो बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान लगाने की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उससे पहले आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं जो इन्होंने लाल किले से कहा था, जरा सुन लीजिए। मीडिया पर मैंने मीडिया के बारे में कहा कि हमारे दोस्त हैं मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं, और वो तो तब भी ठीक है, हमारी बात नहीं उठाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए ये जो यहां खड़े हैं इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये जान पे लगान लगी हुई है, पीछे से लगान लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों,
मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है, ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं मीडिया के जरिए, इस बात को फैलाने की कोशिश होती है और यहीं से नफरत की शुरुआत होती है। और यही बात राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं और यहीं से इस यात्रा का जो मकसद है वो भी सधता है। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस यात्रा से हम देश के नफरत को दूर कर रहे हैं और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ। तो और उसके अलावा बेरोजगारी, युवाओं की तरफ इशारा और महंगाई, जो खासकर महिलाओं की तरफ अगर कहें तो, क्योंकि बात होती है रसोई गैस की भी, जो 400 रुपए में एक गैस सिलेंडर पहले खरीद सकते थे अब आप सीधे 1100 के करीब खरीदते हैं। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं और अपनी यात्रा को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है। क्यों फंसी हुई नजर आ रही है ये समझने की कोशिश आइए अब करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं।